हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट पे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर देता हूं। अगर आप चाहें तो हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहां पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर देता हूं। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप से मैं जो भी ट्रेड देता हूं वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट देखिए, मैंने आप लोगों के साथ इस एरिया के आसपास शेयर किया था। ये था वो पर्टिकुलर एरिया जो था हमारा 249 का एरिया। 249 से देने के बाद देखिए, इसने यहाँ पे हमें एक बार को 47% के आसपास का रिटर्न दिया और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे दोबारा से रिट्रेस किया और मेरे देने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इसने एक बार देखिए फॉल किया था, साइडवेज सस्टेन किया, एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को बुलाया, पूरा का पूरा मैनिपुलेशन किया। जैसा मैं बोलता हूं कि प्राइस जब तक सपोर्ट एरिया से बायर्स को नहीं निकालेगा प्राइस मूव नहीं कर सकता, एग्जैक्टली वही चीज हुई और उसके बाद देखिए प्राइस कैसा रॉकेट बना है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये एक इसका हाई था जिसको प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक करा हुआ है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक मैनिपुलेशन, शॉर्ट मैनिपुलेशन किया, रिक्लेम किया, रिटेस्ट किया और अभी यहां से एक हमें ऑलमोस्ट 9% के आसपास की कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो अभी हमारे रिमेनिंग टारगेट्स को अभी तक अचीव नहीं कर पाया है ये आने वाले समय में अचीव कर सकता है। तो यही हमारे दोबारा से टारगेट होंगे। 328 पे चल रहा है पहला टारगेट, 361, थर्ड टारगेट 411 एंड फोर्थ टारगेट 471 के आसपास का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है SDFC AMC। SDFC AMC को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, देखिए इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आप यहाँ पे ध्यान से स्टडी करें, ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, ये था हमारा एक एरिया जहां से प्राइस कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या किया प्राइस ने इस एरिया को एक बार ब्रेक किया। ये जो हमारा एक हाई था, देखिए प्राइस ने इस हाई को अच्छा खासा समय बिताने के बाद यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। ये देखिए, यहां से प्राइस ने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए प्राइस ने इसे मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक मोमेंटम आ रहा है। ये एक एरिया था हमारा मंथली टाइम फ्रेम का जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, मार्केट ने उसी को एज अ रिटेस्ट एरिया बना के रिटेस्ट किया हुआ है और ये भी एक एरिया था हमारा जहां से प्राइस ने कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन लिया हुआ था। ठीक है, तो प्राइस ने देखिए क्या किया, एग्जैक्ट हमारा वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ, जो आप लोगों को सिखाता हूँ। देखिए प्राइस एक साइडवेज एक्यूमुलेशन किया, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को बुलाया और सीधा का सीधा जितने भी सपोर्ट पे बायर्स है सबको यहाँ पे मार्केट ने टैप आउट किया और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे कैसा मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक 4,827 रुपए के आसपास चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे दो टारगेट दूंगा, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 5,220 के आसपास का और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा 5,600 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज SDFC AMC लिमिटेड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है मान एल्यूमिनियम। मान एल्यूमिनियम को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया था 165 के आसपास और यहाँ से अभी तक आपको इसने 45% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है और यही सेम पर्टिकुलर स्टॉक मैंने 136 अगर मैं आपको दिखा दूं, ये वाला कहीं ना कहीं वो एरिया होगा। मैं आपको जस्ट एक एरिया मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैंने दिया था और यहाँ से देखिए इसने हमारे लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स को कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 78% के आसपास का। ठीक है, 78%। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको इसके प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया 78% का रिटर्न हमारे लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स को और आप लोगों को जहां से दिया वहां पे 45% का रिटर्न। यहां पे भी देखिए सेम चीज हुई है, सपोर्ट पर सस्टेन करने के बाद प्राइस ने सडनली एक फॉल दिखाया, प्राइस ने देखिए बाउंस किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद रिक्लेम, रिटेस्ट और एग्जैक्ट बड़ा मोमेंटम। तो मैं यही समझाता हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं जो चीजें आप लोगों को फ्री में हमारे यूट्यूब पे बताने की कोशिश करता हूं इन्हीं चीजों के लोग पैसे चार्ज करते हैं अपने कोर्स में बुला के। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों से आपको कुछ भी हेल्प मिल पा रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। ठीक है, अभी सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझे, स्टॉक को लाने का रीजन क्या है,
मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके चलूं, यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से कुछ एनालिसिस वगैरह की हुई है आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से कुछ दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ने देखिए यहाँ से कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन लेना शुरू किया है 2011 से। 2011 के बाद यहाँ पे रिजेक्शन लिया इसने 2017, फिर 2021, फिर 2023, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने के बाद एग्जैक्ट इसी एरिया से हमारा ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है मार्केट ने वहीं पे रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद देखिए दो महीने के अंदर मार्केट कैसा फटा है, 135 से डायरेक्ट 242, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो 78-80% का रिटर्न इसने सिर्फ दो महीने में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी प्राइस किसी भी मल्टीयर एरिया को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके जब चलने लगे ना तो वही सबसे बेस्ट एरिया होता है जहां से सबसे बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आ जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे इसके टारगेट्स वगैरह आपको यहाँ पे नए से दे देता हूँ। 242 पे चल रहा है हमारा, जो पहला टारगेट होगा वो होगा 275 के आसपास का, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 310 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज मान एल्युमिनियम। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए मैंने 800 रुपए के आसपास हमारे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ 878 के आसपास मैंने शेयर किया था। मैं एरिया मार्क करना चाहूंगा, ठीक है, 878 अगर मैं दिखाऊं तो ये वो एरिया होगा जहां पे मैंने हमारे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर किया था। और यहाँ से देखिए इसने कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है, इसने रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट यहाँ पे 53% के आसपास का, कुछ बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। और मैंने ये कब दिया था मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मैंने ये दिया था ऑलमोस्ट दिसंबर 18 को, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के अंदर 53% का रिटर्न बना के दिया है, क्या ये कम है? आप इस ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि मार्केट में लोग आते हैं, मार्केट में लोगों को डेली पैसा चाहिए, लोगों को डेली अमीर बनना है, ऐसे नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में आपकी थिंकिंग एकदम प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ आओगे, एकदम मच्योरिटी वाले एक्सपेक्टेशन रखोगे मार्केट से, तो मार्केट आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको स्टॉक्स को समय देना होगा। अगर उसका डायरेक्शन सही है वो मूव करेगा, बट उसको समय देना होगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज पैसा डाल रहे हैं और उन्हें दो दिन में पैसा चाहिए, बुरा मत मानिएगा, आप लॉस ही करेंगे, ठीक है। तो यही चीज मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, और इसका मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया, यहां से 53-54% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं क्यों लेके आया हूं, मैं सिंपल तरीके से आपको चार्ट एनालिसिस करके समझाता हूं। देखिए ये किसका पर्टिकुलर एरिया है, प्राइस ने एकदम ब्यूटीफुली इस एरिया को रिटेस्ट किया हुआ है ब्रेकआउट के बाद। कितने दिनों का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट है, 2021 के बाद 2024, ऑलमोस्ट 3 साल का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट यहाँ पे है। और प्रॉपर रिटेस्ट के बाद देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है। एक बार मैं वॉल्यूम चेक कर लेता हूं, यस देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पे दोबारा से आ रहे हैं। तो ये एकदम मेरे लिए ना, मतलब सच बताऊं तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप फॉर मी। पर बाकी किसी भी तरीके कोई भी रिकमेंडेशंस मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक 1329 रुपए के आसपास चल रहा है। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे 1450 रुपए के आसपास का, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो होगा हमारा यहाँ पे 1580 रुपए के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज यूटीआई एएमसी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसने पहले कितने परसेंट का फॉल किया था, इसने फॉल किया था ऑलमोस्ट 49% के आसपास का। तो मैं यहाँ से 49% अगर एक्सटेंड कर दूं तो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा एक थर्ड और फाइनल टारगेट मैं इस डेप्थ के अकॉर्डिंग आप लोगों को दे दूं, तो थर्ड एंड फाइनल टारगेट एक बार को हमारा यहाँ पे 1800 के आसपास तक का आ रहा है, दैट इज इन यूटीआई एएमसी। अब बढ़ते हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ, आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है गुफिक बायोसाइंस। देखिए गुफिक बायोसाइंस, मैंने जब ये यूट्यूब का हमारा चैनल आया था उसके बाद ही मैंने कुछ दिनों बाद ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करी थी। शायद सेम डे ही मैंने शेयर करा था, जुलाई 27 का डेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और जुलाई 27 पिछले ईयर ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। तो अगर आप इस डेट को यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर एरिया से 260 के एरिया से प्राइस ने यहाँ पे कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, अगर आप इस चीजों को ध्यान से देखें, इसने रिटर्न दिया हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ पे 73% के आसपास का, ठीक है। 73% का यहाँ पे इसने रिटर्न दिया हुआ है कितने महीने में, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम समझे तो 15 महीने के अंदर, विच इज नॉट बैड अगर आप उससे डेफिनेटली पूछो तो। अभी इस पर्टिकुलर चार्ट को लाने का रीजन एकदम सिंपल है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये चार्ट क्या कर रहा है, ये देखिए चार्ट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ब्यूटीफुली हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे मुझे इस तरीके से कुछ नोटिस हो रही है चीजें,
अगर मैं आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाऊं, देखिए प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट किया जो कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे 2022 से रिजेक्ट हो रहा था। प्राइस ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, हल्का सा मैनिपुलेशन किया और दो वीक से देखिए प्राइस यहाँ पे किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। तो मैं जैसे बताता हूं एकदम सिंपल तरीके से चीजें कि जब तक प्राइस मैनिपुलेट नहीं करेगा प्राइस मूव नहीं कर सकता। असली बड़ी रैली मैनिपुलेशन के बाद ही आती है, ठीक है। तो अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक 443 के आसपास चल रहा है और ये इसका मेरा पहला टारगेट होगा 490 के आसपास का और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा 542 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज गुफिक बायो साइंसेज। तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्टबस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।